दोस्तों आज हम बात करेंगे दो देशों के शहरों के बारे में, पहला बिहार राज्य की राजधानी पटना तो दूसरा बांग्लादेश की राजधानी सिटी ढाका की। ये कंपैरिजन किसी भी शहर को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं बल्कि केवल नॉलेज मात्र है। दोस्तों कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक शहर भारत के एक राज्य बिहार की राजधानी शहर है तो दूसरा बांग्लादेश जैसे कंट्री का राजधानी शहर। तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। ढाका और पटना दोनों ही वेल डेवलप्ड सिटी हैं। जहां ढाका बांग्लादेश की राजधानी एवं वहां का सबसे बड़ा शहर है तो वहीं पटना भारतीय राज्य बिहार की राजधानी एवं पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पटना शहर गंगा नदी के तट पर बसा बिहार का सबसे बड़ा शहर है एवं पटना कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है। तो वहीं ढाका सिटी बूढ़ी गंगा, तुराद रिवर, धलेश्वरी रिवर और शीतल कस्या नदी से घिरा है तथा यह बांग्लादेश की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर है। सबसे पहले हम बात इन दोनों ही शहरों के एरिया की करते हैं। दोस्तों ढाका का मेगा सिटी एरिया 306 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ का मेट्रो एरिया 2161 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पटना का मेगा सिटी एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ का टोटल मेट्रो एरिया 1167 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगर बात पॉपुलेशन की करें तो ढाका सिटी की कुल पॉपुलेशन 2.2 करोड़ है जो इसे पॉपुलेशन वाइज बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर बनाता है। तो वहीं पटना की बात करें तो पटना की जनसंख्या लगभग 25 लाख के करीब है जो इसे भारत का 19वां सबसे बड़ा शहर बनाता है। अगर बात जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की करें तो ढाका की नॉमिनल जीडीपी जहां 160 बिलियन यूएस डॉलर की है तथा पीपीपी 210 बिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं पटना की नॉमिनल जीडीपी लगभग 28 बिलियन यूएस डॉलर की है तथा पीपीपी 62 बिलियन यूएस डॉलर की है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इन दोनों ही शहरों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा क्योंकि ये दोनों ही शहर रेल, रोड और एयरपोर्ट के माध्यम से सुगमता पूर्वक जुड़े हैं। तो वहीं वर्तमान समय में ढाका और पटना दोनों ही शहरों में मेट्रो रेल का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं अगर बिजनेस की बात करें तो ढाका रेडीमेड में दुनिया में जाना जाता है। यहां बनाए हुए रेडीमेड प्रोडक्ट दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो वहीं पटना में रेडीमेड का कोई खास दबदबा नहीं है। हालांकि बिहार के 20 लाख से अधिक लोग देश भर में रेडीमेड उद्योग में अपनी सेवा दे रहे हैं। देखा जाए तो सरकार अगर बिहार में रेडीमेड उद्योग की शुरुआत करे तो बिहार को बांग्लादेश को पछाड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहीं अगर रिलीजन की बात करे तो ढाका में जहां 91% इस्लाम, बाकी 9% में सारे धर्म के लोग निवास करते हैं तो वहीं पटना में 86% हिंदू, 13% मुस्लिम, 5% में बाकी धर्म के लोग निवास करते हैं। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार ढाका सिटी की साक्षरता दर 74.6% के आसपास है। वहीं पटना की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 70.68% है। वैसे दोस्तों ये जो डेटा है ये 2011 सेंसस के आधार पर है तो वर्तमान समय में इन दोनों ही शहरों की लिटरेसी रेट में उछाल आया होगा। अगर इन दोनों शहरों के सबसे बड़े पर्व की बात करें तो ढाका में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार ईद है तो पटना में छठ पर्व सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। आपको बता दें पटना ढाका से ज्यादा डेवलप्ड सिटी है। पटना में ग्रेटर पटना का काम पूरा होने के बाद पटना विस्तार के मामले में ढाका से काफी आगे होगा।